निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने ठेकेदार से 6 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे भवन निर्माण विभाग के केंद्र डिवीजन के कार्यपालक अभियंता संजीत कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इंजीनियर से घूस के 2 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। जानकारी के अनुसार निगरानी ने इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया है। पटना में उसके ठिकाने पर फिलहाल तलाशी ली जा रही है। करीब 6 साल पहले संजीत कुमार कार्यपालक अभियंता के पद पर प्रोन्नत हुए थे। उनके खिलाफ लगातार शिकायत आ रही थी। एक ठेकेदार ने एक काम के एवज में 6 लाख रुपए की रिश्वत मांगने की शिकायत निगरानी ब्यूरो में दर्ज कराई थी। सौदा के मुताबिक रिश्वत की पहली किश्त के रूप में गर्दनी बाग इलाके में 2 लाख रुपए देना तय हुआ था। इंजीनियर ने गर्दनी बाग इलाके में जैसे ही 2 लाख की रकम पकड़ी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक रूप से कोई कार्रवाई की कोई पुष्टि नहीं की गई है। संजीत कुमार का विवादों से पुराना नाता रहा है। करीब 1 साल पहले भवन निर्माण के केंद्र प्रमंडल कार्यालय में करीब 6 दर्जन शराब की खाली बोतल मिली थी। कार्यालय में शराब पार्टी हो रही थी। शराब के नशे में एक कर्मचारी भी पकड़ाया गया था, लेकिन कार्यपालक अभियंता संजीत कुमार ने मामले को दबाने की कोशिश की। यहां तक यह कह दिया था कि खाली बोतल मिली वह किसी बाहरी व्यक्ति ने रख दी होगी। यहां लोगों का आना जाना लगा रहता है। मध्य निषेध विभाग की एंटी लिकर टास्क फोर्स और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर लिपिकों की अलमारी तक से खाली बोतल बरामद की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम टॉप स्टोरी न्यूज़।